अभी ये इस मशीन को मेरे को 2 साल हो गए, उसके बाद इस साल भी मैंने 2 मशीन लिया है। 2 मशीन इसके लिए लिया है, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। कितना प्रॉफिट कर चुके हैं सर आप टोटल? मेरे को लगता है शायद महीने में उस मशीन का 1 लाख या 1.5 लाख तक मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन 10-12 लाख तो मैंने कमा ही होगा। 10-12 लाख रुपए कमा लिए इसमें प्रॉफिट में हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोना मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। दोस्तों 2 साल हो गए हैं कस्टमर को मशीन लिए हुए हैं और काफी अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। मशीन में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम था, वो भी हमने सोल्व आउट कर दिया है और सर से जाने की। हेलो सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर, मशीन बहुत बढ़िया है। 2 साल हो गए हैं, मैंने मशीन खरीदा है। मैं खुद गुजरात अहमदाबाद आया था तो उधर से मशीन लेके आया। अभी 2 साल हो गए, हर दिन में 500 या 600 ग्लास में हम यूज निकलते हैं और चिलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इस मशीन को मेरे को 2 साल हो गए, उसके बाद इस साल भी मैंने 2 मशीन लिया है। 2 मशीन इसके लिए लिया है कि उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। कस्टमर भी मेरे पास आते हैं, आगे जो 2-3 रसवंती है उधर से 1-2 ग्राहक रहता है मेरे पास, 8-10 ग्राहक आते हैं। ऐसा बहुत बढ़िया मशीन है सर। जैसे कि आपको 2 साल पूरे हो चुके हैं इस मशीन को, कभी भी ऐसा हुआ कि इसका जैसे कि क्रशिंग के अंदर प्रॉब्लम आया हो, क्या आपका गन्ना जो है आप एक बार की जगह पे 2-3 दफा डालना पड़ गया हो या रोलर घिस गए हो? सर 2 साल हो गए, कितना ही बड़ा गन्ना डाल दो वो पीछे हटता ही नहीं मशीन। वो क्रशर को तो कोई जवाब ही नहीं, तो बहुत बढ़िया क्रशर दिया है। और मैं 2 साल यूज हो जाने के बाद भी मशीन की क्वालिटी दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील 304 है, कहीं से भी जंग लगा हुआ है तो आप देख सकते हो और बता सकते हैं, कस्टमर से भी पूछेंगे। ये देख सकते हैं, ये इसका रोलर का फिनिशिंग देखिए आपके, रोलर आपके सामने है सर, एक जरा भी घिसा है सर? रत्ती बराबर भी घिसा हो तो बता रही? नहीं कुछ नहीं, जीरो मेंटेनेंस है वो क्रशर का, तो जीरो मेंटेनेंस है ना, जीरो मेंटेनेंस है, कुछ दिक्कत नहीं। अभी दूसरी बात बताइए कि क्या मशीन जो स्टेनलेस स्टील की बताई गई थी तो इसमें जंग लगा सर? नहीं, जंग किधर भी लगा नहीं है, काट खा गया सड़ गया। नहीं, देखो ना ये कुछ नहीं, ये देखो सर पानी में रहता है, 2 साल में कुछ भी नहीं है उसको, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बोला गया है तो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों। ये आपके सामने है, पूरी हैवी ड्यूटी क्वालिटी होती है। अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदनी है अगर आपको, तो फिर आप एसएस सोना मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चॉइस कर सकते हैं, ताकि आप एक कामयाब बिजनेस की ओर आगे बढ़ सके। अब आगे चलते हैं, कितने किलोमीटर दूर पे दूसरी मशीन लगी? 3 किलोमीटर आगे दूसरा मशीन है मेरा, वो भी दिखा देता हूँ। चलिए अभी आगे 3 किलोमीटर चलते हैं, सामने सर की शॉप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा नॉलेज जो है शुगर केन बिजनेस के बारे में आफ्टर 2 ईयर कस्टमर का 3 मशीन लिए हुए पूरी जानकारी और डिटेल्स प्राप्त हो सके। तो देखिए ये जो है यहाँ पर शुगर केन का जो मशीन अभी हम सामने से देख के आ रहे हैं, और यहाँ पर लगता है सर, यहाँ पे लगता है ये मशीन मेरा। अच्छा, यहाँ पर नहीं लगता है, इधर मशीन लगता है। इतनी बड़ी खूबसूरत शानदार दुकान आप ही की है सर? हो, आपने बनाई। ये सर की दुकान है सर, क्या नाम है दुकान का अपने? वो आपने वाजी अमरतुल्ले बोल के चालू कर दिया था, लेकिन वो जब रसवंती लिया तब वो जय मल्लार रसवंती ग्रह ऐसे नाम दे दिया है उसको। अच्छा, तो 2 साल पहले नाम अपग्रेड किया। ये देखो ना, ये अभी जय मल्लार रसवंती, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे, जय मल्हार रसवंती है ना, ये यहाँ पर जूस लिखा हुआ है आपके सामने, ये बोर्ड लगी हुई है सर की। यहाँ पर ही शुगर केन लगता है।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं सर की तीन मशीनें देखते हैं। दोस्तों दो साथ बुला रहे कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए आ चुके हैं, जो हमसे एक के बाद एक टोटल तीन मशीनें ले चुके हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे सर से कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, दो साल से ऐसा सड़ा मशीन कंपनी से जुड़े हुए हैं, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मशीन कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, यह पूरी बातें जानेंगे। तो सर ये आपकी जो है दूसरी मशीन है? ओ, ये मेरा दूसरा मशीन है। पिछले दो साल में पहले मैंने एक मशीन लिया था, उसका रिजल्ट अच्छा लगा तो उसके वास्ते मैंने फिर दो मशीन ले लिया है। अभी इधर मेरा बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कितना सेलिंग आता है पर डे? इधर 300-350 ग्लास तक सेल होता है हर दिन में। अच्छा, 300-350 ग्लासेस पर डे सेल होता है। एक ग्लास के एक किलो जो गन्ना होता है उसमें से कितना जूस निकलता है, और एक किलो गन्ना कितने भाव में पड़ता है? एक किलो गन्ना 7 रुपये केजी में जाता है, शायद एक किलो में 3 ग्लास का जूस निकलता है। अच्छा, एक किलो के अंदर 3 ग्लासेस जितना जूस निकलता है, और एक किलो गन्ना जो है 7 रुपये प्रति केजी में पड़ता है। तो एक ग्लास का जो कॉस्टिंग जो है सर वो कितना बैठता है, डिस्पोजेबल ग्लास, लाइट बिल, मेंटेनेंस के साथ? वो सब मेंटेनेंस, वो जो उसमें नींबू डालते हैं गन्ने का, सब का कॉस्ट एक ग्लास का 5 रुपये तक जाता है। 5 रुपये का आपको ग्लास पड़ता है। सेल कितने में कर रहे हैं? सेल 15 रुपये में कर रहे हैं हम। क्या बात है, 15 रुपये में यहाँ पर सेल हो रहा है, यानी एक गिलास के पीछे कितना प्रॉफिट बच रहा है? 10 रुपये बचता है। 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है एक गिलास के पीछे, यानी कि 350 ग्लासेस सेल कर रहे हैं, 3500 रुपये पर डे कमा के दे रही है मशीन। हो, साढ़े तीन हज़ार रुपये कमा देती है मशीन। 3500-3500 रुपये पर डे प्रॉफिट यही मशीन करके देती है, महीने का 1,00,000 रुपये कमा के दे रही है यही मशीन। ये मशीन जो है सर स्टेनलेस स्टील की बोली गई थी, वो स्टेनलेस स्टील है इसमें यूज़ किया हुआ? हो, स्टेनलेस स्टील है, बहुत बढ़िया है, गंज भी किधर लगता ही नहीं है, अच्छा मशीन है। और मशीन यहाँ पर चालू है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, अभी सर ने क्योंकि यहाँ पर अब जो है बारिश का मौसम चालू हो गया, कितने दिन हुए बंद किया बिजनेस? बिजनेस अभी 2-3 दिन हुए बंद कर दिया है मैंने मशीन। अच्छा, हाँ, बाकी स्टार्ट ही था यहाँ पर? इधर ही स्टार्ट था। क्या बात है, ये महाराष्ट्र की फेमस चीज है। ये महाराष्ट्र का जब घुंघरू बजता है ना, तब ग्राहक कस्टमर है ना इधर आकर्षित हो जाते हैं, कहीं इधर गन्ने का जूस मिलता है। अच्छा, ये जो है, ये जो आप आवाज सुन रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर ऐसा है कि ये घुंघरू की आवाज सुन के ग्राहक जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। कितने का मिल जाता है ये 5,500-6,000 तक जाता है ये मशीन, ये घुंघरू वाला मशीन 5,500-6,000 रुपये घुंघरू वाला मशीन है। लेकिन इतना तो एडवर्टाइजमेंट बनता ही है कि लोगों को दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे गन्ने की मशीन, इधर गन्ने की मशीन है, घुंघरू की आवाज से ही पता चल जाता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मशीन है ये भी, जिससे एक एडवर्टाइजमेंट होता है, एक लोगों को पता चलता है कि क्या बिजनेस है, प्रोफाइल है। और ये जो मशीन है सर, वो आप रात को कहाँ पर रखते हो? रात पे अंदर भी शॉप में डाल देते हैं अंदर। रात को अंदर शॉप में डाल देते हो, आप खुद भी ऑपरेट करते हो इसको? मैं खुद ही ऑपरेट करता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं। अच्छा। मैं भी जब मेरे को छुट्टी रहती तब मैं ऑपरेट करता हूँ। अच्छा। जब सुबह से मैंने काम चालू किया, आप भी दिखता है ऐसा ही, शाम तक ऐसा ही फ्रेश रहता हूँ, कुछ गन्ने का दाग भी नहीं लगता कपड़े में। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन है इसके जब ऑपरेटिंग करते हो इसको, तो इससे कोई गंदगी कपड़ों पे नहीं लगती? कुछ गंदगी भी नहीं लगती, कस्टमर को भी अच्छा लगता है। एक बार भी गन्ना डालना पड़ता है, बार बार में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और बर भी नहीं लगता इसको, चिल्ड होके आती है, तो कस्टमर को जो ओरिजिनल जो गन्ने का स्वाद है वो मिलता है, ओरिजिनल स्वाद मिलता है। तो सर जैसे लोकल मशीन अगर है और ये मशीन है, तो ग्राहकी में फ़र्क पड़ेगा? पड़ने वाला है, अभी लोग क्वालिटी चाहते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी जब मेंटेन करते हैं तब कस्टमर आता ही है। अभी बाहर 250-250 ml का जूस देते हैं हम, 300 ml देते हैं, वो भी बिना बर्फ देते हैं, तो कस्टमर आएगा ही और क्वालिटी देखते हैं। और इसमें से जो है बिना मिलावट के रियल जूस दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल और प्योर है सर, हाइजेनिक और ऑर्गेनिक जूस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है? कोई भी मिलावट नहीं, 1% भी मिलावट होती नहीं है। अच्छा, जैसे इसमें गन्ना डाला तो जूस ठंडा हो जाता है? हो, पूरा ठंडा हो जाता है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना अपने को सेट करता करने आता है इधर। और तो ये सेट करने का भा जाता है क्या सिस्टम? सिस्टम है ना, देखिए इधर सब यहाँ पर जो है पूरा आपका सिस्टम दिया हुआ है, जैसे कि ये जो है ये आपका टाइमर सिस्टम है, काउंटिंग सिस्टम है, ML मेजरमेंट सिस्टम है। यहाँ पर जो है 0°C तापमान बता रहा है अभी आपके सामने आने के, पूरा चिल्ड है ये, है ना, ठंडा और चिल्ड निकलेगा जूस। यहाँ पर ड्रॉअर दिया हुआ है जिसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट भी दी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर सारे फंक्शन जो है दिए हुए हैं मशीन के अंदर।
अभी ये जो काउंटिंग का सिस्टम दिया है, अब मैं दुकान पे रहता है ना, ये बच्चे लोग रहते है तो दिन में कितना क्लास गया है वो भी समझ में मालूम पड़ता है, कितना बिजनेस हुआ कितना नहीं ये भी मालूम पड़ता है, वो बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी है उसका ये बेनिफिट और फंक्शन है कि जिसकी वजह से आप अगर नहीं होंगे तो वो वर्क करता है प्रॉपर और करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कुछ भी सेटिंग का प्रॉब्लम हुआ तो वो कंपनी हमको सर्विस देती है ना। अच्छा, तो हम कंपनी की ओर से जो है वो जानने के लिए आपको जैसे कि कुछ जानकारी लेनी है तो क्या बताया जाता है? बताया जाता है ना, वो बोलते हैं वीडियो कॉल कर दो उधर से, वीडियो कॉल जब हम करते हैं तब बोल देते हैं कौन सा बटन दबाने का, क्या करने का है, कैसा सेटिंग करने का है। और सर जैसे कि अभी फिलहाल जो है वो मशीन के अंदर आपको कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस और कैसा लग रहा है ये बिजनेस और हमारी कंपनी की ओर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अभी जो SS सोडा ने जो का मशीन निकाला है, जो पुराने जमाने का मशीन था, जो जब हम बिजनेस करते थे तब शाम को वो हम क्या महसूस करते हैं, पूरा गंदा कपड़ा वगैरह हो जाता था। अभी ये हाइजिक मशीन हो गया तो वो बहुत बढ़िया है, वो छोटा बच्चा हो कोई औरत हो सब काम कर सकते हैं इस मशीन पे, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इसमें कभी हाथ जाने का डर लगा नहीं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने है कि इसमें हाथ जाने वाला ही नहीं है। दोस्तों देखिए ये हाथ जाएगा ही नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति को आप तुरंत खड़ा किसी भी बंदे को कर सकते हो। रेगुलर जो दो वाली मशीन होती है उसमें किसी भी व्यक्ति को आप खड़ा नहीं कर सकते, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस मशीन को चलाने का। दूसरा एक सिस्टम इनको अच्छा दिया है, वो सेंसर दिया है, जब 300 ml का हमने सेटिंग कर दिया तो कस्टमर के हाथ में ग्लास देते है वो कॉक के नीचे पकड़ता है, 300 ml जब जूस उसमें आता है वो आप बंद हो जाता है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं होती। इस टाइप का ग्लास आप बेच रहे हैं, देखिए ये फ्रेश जूस लिखा हुआ है, ग्लास भी अच्छा रखा है सर आपने। हाँ वो 300 ml का ग्लास है, वो बढ़िया ग्लास है, देखिए बढ़िया ग्लास रखा हुआ है सर ने। और सर हमारी कंपनी में से आपने 1-to-1 करके कितनी 3 मशीनें टोटल ली है? 3 मशीन ली है मैंने अभी। और आपका जो ये मतलब ऑल ओवर बिजनेस एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऐसा सोडा मशीन से जुड़ के आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, पहले बार मेरे को सोडा मशीन से अपना यूट्यूब से पता चल गया कि अहमदाबाद में SS सोडा मशीन के ऊपर बहुत सारी मशीनरी बनती है, तब हम खुद उधर आके आ गए, सब कंपनी वगैरह देख लिया, तो पहले 2 साल पहले मैंने एक मशीन खरीदा था उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा, उसके वास्ते इस साल में सीजन के पहले हमने और 2 मशीन ले लिए और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए आपके सामने कस्टमर का जेन्युइन रिव्यू, अगर सर आप ऐसा सोडा मशीन कंपनी से स्पेशल है, यहाँ से अहमदाबाद गुजरात कितना दूर है सर? वो 750-800 किलोमीटर होगा शायद मेरे को लगता है। इतना लॉन्ग जर्नी करके सामने गाड़ी है, गाड़ी लेके इतना लॉन्ग जर्नी करके अहमदाबाद गुजरात से नासिक आना, अभी तक में जो आपकी जो पुरानी मशीन थी अब तक कितना प्रॉफिट कर चुके हैं सर आप टोटल? मेरे को लगता है शायद महीने में उस मशीन का 1-1.5 लाख तक मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन 10-12 लाख तो मैंने कमा ही होगा। 10-12 लाख रुपए कमा लिए इसमें प्रॉफिट में हो? 10-12 लाख रुपए प्रॉफिट में कमाए हैं आपके सामने सर। ये आपको ऐसा तो नहीं है कि कैमरा ऑन होने से पहले बोला होगा इतना बता देना? भाई क्या कहे, मैंने ज्यादा कमाया, मैं थोड़ी तुमको देने वाला हूँ, मेरे को ही रहने वाला है ना, ज्यादा काहे को बताऊंगा मैं। ये आपके सामने सच्चाई है दोस्तों, ऐसा सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सच बताता है, अहमदाबाद गुजरात से गाड़ी लेके स्पेशल आए हुए देख सकते हैं आप, यहाँ पर नासिक में 750 किलोमीटर दूर आके कस्टमर से सिर्फ सर कोई प्रॉब्लम तो बड़ी थी नहीं? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो क्यों आए हम यहाँ पर? नहीं वो तो फोन तो आया था कब वो कौन सा कस्टमर है, क्या दिक्कत होती है उसमें मशीन को और क्या कस्टमर के हिसाब से क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो देखने के लिए आए ना तुम खुद। और आपको मिलने के लिए आए? मिलने का, हमको मिलने के लिए आए, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा सर ये एक्सपीरियंस? बढ़िया लगा, मैं भी 3 बार तुम्हारी कंपनी में आया था तो भी उधर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जब तुम हमारे यहाँ आए तो सब हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। जो एक कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्ट बोलते हैं, वो जो कंपनी का खुद मालिक है, वो जब कस्टमर के पास आता है तो बहुत बढ़िया फील होता है ना। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस बहुत सक्सेस हो, आप और 10-15 मशीनें लेके लगाए। सर की जो है ये सेटअप ऐसा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दुकानें सर ने खरीद के रखी हुई है और सबका सब अलग अलग सेटअप है, जैसे अब हम इससे पहले 2 दुकान विजिट करके आए, ये 3री दुकान है, और कितनी दुकान है सर आपकी? 3 शॉप है मेरी। अच्छा टोटल 300, इससे आगे भी एक दुकान है 100 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमको दूसरी जगह पे जाना है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ही जो है हम निकलेंगे अब आगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियो। दोस्तों आप भी अगर खरीदना चाहते हो इसी बेहतरीन क्वालिटी की कामयाब मशीन तो नीचे दिखाए गए नंबर पर, डिस्प्ले पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मशीन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोलर मशीन वीडियोज। थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।